सब्सक्राइब करें सिटी न्यूज पलामू व बेल आइकॉन दबाकर पाएं परमंडल की ताजा खबरें सबसे पहले सबसे आगे। सावधान, कहीं आप भी न हो जाएं। प्रधानमंत्री आवास के नाम पर ठगी का शिकार। अपाचे बाइक सवारों ने मां बेटे को आभूषण व नकदी सहित बनाया ठगी का शिकार। चोरी व लूटपाट करने वाले लोग अब पुलिस सक्रियता के चलते रोडों पर लोगों को अपना शिकार नहीं बना रहे हैं, बल्कि वे गांव में भोले भाले लोगों के घरों में घुसकर लोगों से लेखापाल बनकर प्रधानमंत्री आवास के नाम पर तो कहीं आवास की किस्त के नाम पर लोगों को ठगाई करने का काम कर रहे हैं। इसलिए आप भी सावधान हो जाइए, कहीं इनके चंगुल में आकर कहीं आप भी ठगाई का शिकार न बन जाए। ऐसा ही मामला जनपद उत्तर प्रदेश के मैनपुरी जिले के थाना बिछवा में देखने को मिला, जहां एक विकलांग प्रमोद कुमार चौहान के घर अपाचे पर सवार दो व्यक्ति एक फाइल को लेकर बड़े टिप टॉप स्टाइल में घर में पहुंचे। वह अपने आप को लेखापाल बताते हुए आकर वहां रुके, जहां प्रमोद की मां कुसुमा देवी व उनके नाम 2.5 लाख का प्रधानमंत्री आवास आने की बातें कही। आवास आ गया है, डीएम साहब कस्बा के विद्यालय में मीटिंग ले रहे हैं, आपका प्रधान जी डीएम साहब के साथ में है, यह बातें कही। आप तत्काल चले और प्रधान जी ने 5,000 रुपया डीएम साहब को देने के लिए मंगवाए हैं। विकलांग उनकी बात सुनकर खुश हो गया और अपनी माँ से रुपये लेने के लिए कहने लगा। माँ ने रुपये देने से इनकार किया तो उन्होंने अपने ही किसी अन्य साथी से प्रधान जी से कहकर बात करा दी, तो माँ बेटे को पूर्ण विश्वास हो गया और पैसा ना होने के कारण माँ ने अपने कानों के कुंडल निकालते हुए, जिनकी कीमत 25,000 बताई जाती है, अपने पुत्र को दिए। पुत्र ने उन आभूषण व 2,000 रुपये भी बाइक सवारों को दे दिए और खुद भी डीएम साहब व प्रधानमंत्री से मिलने के लिए उन्हीं के मोटरसाइकिल पर सवार होकर चलते बने। कुछ देर बाद वह बोले कि अपने घर से अपना आधार कार्ड तो ले लो। जब पीड़ित विकलांग प्रमोद कुमार आधार कार्ड के लिए जैसे ही घर में घुसे, वैसे ही अपाचे सवार ठगों ने बाइक को स्टार्ट करते हुए 9:00-2:11 हो गए। ऐसा नहीं है कि यह पहली घटना घटी है, ऐसे कई घटनाओं को अंजाम दे रहे हैं इस तरह के लोग। दानापुर गांव में 5 लोगों को कॉलोनी का किस्त दिलाने के नाम पर 2,500-2,500 रुपये भी ठग ले गए हैं ये लोग। मैनपुरी से हरिओम चौहान की रिपोर्ट।